हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने सोशियोलॉजी का अगला लेक्चर। एक्चुअली दोस्तों, हम लोगों ने टॉकर पर्सन को कवर कर लिया था, लेकिन टॉकर पर्सन का हम लोगों ने क्रिटिसिज्म नहीं करा था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के जरिए टॉकर पर्सन को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आपको हर थिंकर का ना थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए आपको क्रिटिसिज्म पता होगा, तभी तो आप क्रिटिकली एग्जामिन कर पाओगे, ठीक है। तो टारगेट पर्सन का जो पहला क्रिटिसिज्म है वो है कोर्सिव इंजेक्शन ऑफ वैल्यूज। टारगेट पर्सन बोलते हैं कि वैल्यूज जो है जिसकी वजह से लोग जो है कंसेंसस बनाए हुए हैं सोसाइटी में, लेकिन एक हबर मास करके थिंकर आते हैं और ये बोलते हैं कि भाई जो वैल्यूज है ना, ये जबरदस्ती लोगों के अंदर, लोगों के माइंड्स में इंजेक्ट करी जा रही हैं। और कैसे इंजेक्ट करी जा रही हैं जबरदस्ती ये वैल्यूज? थ्रू एजुकेशन के जरिए, फैमिली के जरिए, मास मीडिया के जरिए, ठीक है। और इसीलिए हैबरमास इन चीजों को बुलाते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये कल्चर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल किसके द्वारा करी जाती है? स्टेट के द्वारा। तो इसीलिए हैबरमास बोलते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो भाई कोर्सिव यानी जबरदस्ती लोगों के अंदर डाली जा रही है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? स्टेट कंट्रोल करता है, ठीक है। दस वैल्यू कंसेंसस इज नॉट वॉलंटरिस्टिक एज एनविसाज्ड बाय पर्सन्स। तो पार्सन ने तो मैंने बताया, क्या बोलते हैं पार्सन, कि भाई जो वैल्यू कंसेंसस है वो लोगों का वॉलंटरिस्टिक है, मतलब लोगों ने आपस में सहमति बनाकर वैल्यू कंसेंसस चला रहे हैं जिसकी वजह से सोसाइटी टिकी हुई है। लेकिन ऐसे ये हैबरमास बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वॉलंटरिस्टिक तो है ही नहीं बिल्कुल, ये स्टेट के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है। दूसरा क्रिटिसिज्म है रेवोल्यूशंस का। तो ब्रायन टर्नर ये थिंकर आते हैं और ये आर्ग्यू करते हैं कि दैट पार्सन मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली, कम्युनिस्ट चाइना एंड डेमोक्रेटिक अमेरिका। तो ये बोलते हैं ब्रायन टर्नर कि भाई टॉकर पर्सन ने ना इतनी सारी अलग अलग तरीके की पॉलिटी चल रही है वर्ल्ड में, कम्युनिस्ट चाइना है, फासिस्ट इटली है, नाजी जर्मनी है, डेमोक्रेटिक अमेरिका है, इन चारों में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं बताया टॉकर पर्सन ने। के लिए तो भाई टॉकर पर्सन के लिए तो सारे के सारे जो सोशल सिस्टम है ना वो सारे के सारे किस में वर्क करते हैं? एजिल पे वर्क करते हैं। सारे के सारे जो पॉलिटी सिस्टम है उसमें एजिल प्रेजेंट है और एजिल की वजह से ही सारे के सारे वर्क करते हैं। एजिल पता है ना आपको, अडेप्टेशन, गोल अटेलमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसी चीज का क्रिटिसिज्म करते हैं ब्रायन टर्नर, ठीक है। और ब्रायन टर्नर बोलते हैं कि टॉकर पर्सन जो है ये फेल हो चुके हैं, इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करा रेवोल्यूशनरी चेंजेस को। किसको? रेवोल्यूशनरी चेंजेस को जो कि सोसाइटी में आते हैं। एंड हाउ फ्यू डोमिनेट अदर सोशल स्ट्रक्चर। और इस रेवोल्यूशन की वजह से होता क्या है, विदाउट रेवोल्यूशन के भी वजह से भी ना कुछ सोसाइटी में ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो दूसरे स्ट्रक्चर्स पे डोमिनेट करते हैं। ऐसी चीज तो इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करी है टॉकर पर्सन ने। टॉकर पर्सन तो साफ साफ बोलते हैं कि एजिल है और एजिल का अपना अपना फंक्शन है, वो सारे के सारे फंक्शन जो है सहमति में चलते हैं, कंसेंसस की वजह से चलते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी टिकी रहती है। अगला है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। पार्सन अकॉर्डिंग टू राल्फ डेरेंड्रॉफ पुट्स डिसप्रोपोर्शनेट एम्फेसिस ऑन कंसेंसस मॉडल। तो राल्फ डेरेंड्रॉफ भी आते हैं और ये भी बोलते हैं कि भाई टॉकर पर्सन ने ना बहुत ज्यादा जो फोकस कर रखा है ना वो कंसेंसस मॉडल पे कर रखा है, मतलब सहमति वाले मॉडल पे कर रखा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इनका कहना है राल्फ डेरेंड्रॉफ का कि दैट कंफ्लिक्ट इज एंडेमिक टू एवरी सोसाइटी एंड सोसाइटी इज लार्जली इन्वॉल्व इन कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो डेरेंड्रॉफ कहते हैं कि भाई हर सोसाइटी में ना कन्फ्लिक्ट होना तो अनिवार्य है, कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, बिना कन्फ्लिक्ट के कोई सोसाइटी टिकी नहीं सकती, ठीक है। और सोसाइटी इसीलिए ज्यादातर किस काम में इन्वॉल्व रहती है, इस कन्फ्लिक्ट को ना रिजॉल्व करने में, रेजोल्यूशन करने में जुड़ी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं राल्फ डेरेंड्रॉफ कि कंसेंसस नेवर गिव्स राइज टू कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम। बोल रहे हैं कि भाई कंसेंसस की वजह से कोई भी सोशल सिस्टम है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, बल्कि ये बोल रहे हैं कि जो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट है ना, कन्फ्लिक्ट को ही रिजॉल्व करने में, मैनेजमेंट करने में सोसाइटी लगी हुई है और इसी कन्फ्लिक्ट को मैनेज करते करते सोसाइटी कंटिन्यू हो रही है। समझे कि नहीं समझे, फिर से बोल देता हूं। टॉकर पर्सन बोलते हैं कि सोसाइटी क्यों चल रही है, क्यों कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि वैल्यू कंसेंसस बना हुआ है। लेकिन राल्फ डेरेंड्रॉफ बोलते हैं बिल्कुल नहीं, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट है और उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की वजह से ही सोसाइटी कंटिन्यू तरीके से चल रही है, ठीक है। अगला है एंड्स एंड वैल्यूज। एल्विन गॉल्डनर अगले थिंकर आते हैं और ये स्टेट करते हैं दैट व्हाइल स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एंड्स एंड वैल्यूज,
दैट मैन परस्यू पर्सन नेवर आस्क हूज एंड्स एंड वैल्यूज दीज आर। तो टारगेट पर्सन साफ साफ बोलते हैं सोसाइटी में कि हर बंदे को कुछ ना कुछ एंड्स एंड वैल्यूज मिल रखी हैं जिसे इंसान जो है परस्यू कर रहा है। लेकिन भाई एल्विन गार्डनर बोलते हैं कि टारगेट पर्सन जी ये तो बताइए कि ये जो वैल्यूज है और ये एंड्स हैं जिनको मैन परस्यू कर रहा है, ये एंड्स और वैल्यूज किसकी हैं, है ना, है किसकी, किसने इन्हें ओरिजिन दिया है। जैसे कि मैंने आपको टारगेट पर्सन के बारे में बताया था, पेट्रियोटिज्म एक वैल्यू है जिसको सोल्जर जो है परस्यू करता है ना, अपनी जान भी निछावर कर देता है। तो एल्विन गार्डनर यही पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ वैल्यू है किसकी, किसने, कहां से ओरिजिनेट हुई है। फ्यू फंक्शनलिस्ट एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी दैट सम ग्रुप्स इन सोसाइटी एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट डोमिनेट अदर्स। तो दोस्तों फंक्शनलिस्ट एक्सेप्ट करते हैं बहुत सारे कि भाई सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो खुद के अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं वैल्यूज और एंड्स के नाम पर। मतलब वैल्यूज बना दी और एंड्स बना दिए और दूसरों के ऊपर थोप दिए कि भाई ये वैल्यूज हैं, ये एंड्स हैं, इनको अचीव करो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए सती की। सती की जो वैल्यू है कि भाई आप मर जाओ, लेकिन भाई वो सती की जो वैल्यू है मर जाओ चिता पर जाके, ये किसने क्रिएट करी है, सोसाइटी के कुछ कुछ लोगों ने क्रिएट करी थी और वो अपने इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल कर रहे थे कि भाई ये जो हमने वैल्यू बनाई है इसको लोग फुलफिल करेंगे तो हमारे इंटरेस्ट फुलफिल होंगे। ठीक है, ऐसे कास्ट सिस्टम ले लीजिए। कास्ट सिस्टम इसीलिए बनाया गया सोसाइटी के कुछ लोगों के द्वारा कि हमारे इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। अगला है टेलियोलॉजिकल एंड टोटोलॉजिकल। ये क्या दोस्तों, अब आते हैं सीडब्ल्यू मिल्स, ये थिंकर आते हैं और ये कास्ट करते हैं स्कॉन ऑन पार्सोनियन थ्योरी बाय कॉलिंग इट टेलियोलॉजिकल। ये टारगेट पर्सन की थ्योरी को क्या बुलाते हैं कि टारगेट पर्सन की जो थ्योरी है वो कुछ नहीं है, टेलियोलॉजिकल है। अब टेलियोलॉजिकल क्या होता है दोस्तों, टेलियोलॉजिकल थ्योरी में दोस्तों हम लोग गलती से जो इफेक्ट होता है उसको कॉज रिगार्ड कर देते हैं। समझे कि नहीं समझे, जो भी इफेक्ट निकल कर आता है उसको हम क्या मान लेते हैं, कॉज मान लेते हैं, या आप कह लीजिए फंक्शन को क्या मान लेते हैं, पर्पस मान लेते हैं। ठीक है, ये होता है टेलियोलॉजिकल। इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रोसेस और इंस्टीट्यूशन और एनी ऑब्जेक्ट और एनी आइडिया इन टर्म्स ऑफ पर्पस इट फुलफिल्स। तो दोस्तों टेलियोलॉजिकल में हम क्या मान लेते हैं कि जो भी प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, जो भी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट या आइडिया एग्जिस्ट करता है, तो दोस्तों हम उसको मान लेते हैं कि ये एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ ये पर्पस फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो टेलियोलॉजिकल ये बोलता है। Thus, according to this explanation, the effect is treated as cause. This is the principal objection to the functionalist theory. तो यही दोस्तों प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन है किसका, फंक्शनलिस्ट थ्योरी का भाई, कि आप हर चीज को मतलब यही मान लेते हो, टेलियोलॉजिकल मान लेते हो। टोटोलॉजिकल ऑन द अदर हैंड मीन्स रिपीटेशन ऑफ सेम सेंस इन डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, अगला क्रिटिसिज्म है टारगेट पर्सन का, वो है मैनिफेस्ट फंक्शन। तो रॉबर्ट के मर्टन के हमने लेक्चर शुरुआत कर दिया वैसे, तो रॉबर्ट के मर्टन अकॉर्डिंग टू आर के मर्टन फंक्शंस, तो आर के मर्टन के फंक्शन के अनुसार दोस्तों, देयरफॉर ही सीज ओनली फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड नॉट देयर डिसफंक्शन और नॉन फंक्शन। आर के मर्टन आते हैं और बोलते हैं टारगेट पर्सन को कि भाई आप टारगेट पर्सन ने ना हर चीज का फंक्शन फंक्शन निकाल रखा है, फंक्शन फंक्शन निकाल रखा है भाई, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी ना है। किसी चीज का दोस्तों डिसफंक्शन भी होता है, आर के मर्टन बोलते हैं, नॉन फंक्शन साइड भी होता है, तो आप हर चीज का फंक्शन फंक्शन क्यों बता रहे हो। और रॉबर्ट के मर्टन ने टारगेट पर्सन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना। तो टारगेट पर्सन बार बार बोलते हैं हर चीज का फंक्शन होता है, लेकिन रॉबर्ट के मर्टन बोलते हैं ऐसा नहीं है, हर चीज का फंक्शन नहीं होता बल्कि डिसफंक्शन भी होता है और नॉन फंक्शन भी होता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमने क्रिटिसाइज कर लिया टारगेट पर्सन को। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।